हेलो टाकूस डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के वीडियो वीकली एक ही आते हैं और उसके बावजूद भी हम आपके लिए सबसे पहले उस एपिसोड को एक्सप्लेन कर ले आते हैं। सो उसके लिए ही आप इस वीडियो पे लाइक कमेंट और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। सो बिना किसी देरी के लेट दिस वीडियो स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें ऑक्शन के लिए वैल्यूबल आइटम जा रहे होते हैं। उसी ट्रेन में ठंडा नाम का एक बंदा बैठा हुआ रहता है जो कि ऑक्शन के लिए ही जा रहा होता है। इसी बीच ट्रेन में अननोन लुटेरे अटैक कर देते हैं और ऑक्शन की सबसे वैल्यूबल आइटम को चुरा कर वहां से भाग रहे होते हैं। बट वहीं पर अपना सेवन स्टार ग्रुप मौजूद होता है और हेडमास्टर जाओ उन चोरों का पीछा कर रहे होते हैं। इसलिए चोर थंडर की बोगी को क्रॉस कर आगे बढ़ गए होते हैं। बट वहीं पर चोर जैसे ही अपने हेडमास्टर जाओ के हाथ लगने वाले रहते हैं, इसके पहले ही चोर बोगी को ट्रेन से अलग कर हेडमास्टर जाओ से बच गए होते हैं, जिसके चलते ही हेडमास्टर जाओ परेशान हो गए होते हैं और अपनी सारी स्क्वाड को उन चोरों के पीछे लगने के लिए कह रहे होते हैं। तभी वहां पर थंडर आता है और हेडमास्टर जाओ को रोक देता है। वहीं हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जान रहे होते हैं और साथ ही साथ काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं। इसलिए थंडर चोरों के द्वारा चुराया हुआ आइटम अपने हेडमास्टर जाओ को सौंप देते हैं। अदर साइड हमें चोरों को दिखाया जाता है जो कि असल में क्यूमिया के चेले होते हैं और वहीं पर क्यूमिया उनसे वैल्यूबल आइटम मांग रही होती है। तो चोर उन्हें आइटम दे रहे होते हैं, पर तभी वो लोग पाते हैं कि उनके पास वो आइटम नहीं बल्कि टाइम बॉम्ब है जो कि थंडर ने उनसे रिप्लेस कर दिया था, और तभी वो टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो गया होता है। जिसके बाद हमें ऑक्शन को दिखाया जाता है जहां पर शू की फैमिली, टैंग की फैमिली और उनकी तरह ही दुनिया के अमीर लोग इस दुनिया के बेस्ट ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने आए होते हैं। वहीं पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि थंडर की हेल्प के बदले उसे थैंक्स कह रहा होता है। वहीं पर थंडर हेडमास्टर जाओ से पूछ रहा होता है कि क्या वो भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने आया है, जिस पर हेडमास्टर जाओ मना करते हुए कह रहे होते हैं कि वो बस यहाँ पर वैल्यूबल आइटम की सेफ्टी करने आया था। जिसके बाद सीन वेंग पे आता है जो कि बच्चों के साथ पोकेमोन कार्ड गेम खेल रहा होता है। बट इस गेम को खेलते हुए वेंग के कार्ड अच्छे नहीं आए होते। वहीं उसके अपोनेंट में बैठे हुए बच्चे के पास पावरफुल गोरिल्ला कार्ड आता है जिसकी हेल्प से ही वो अपने वेंग को काफी बुरी तरीके से हरा देता है, जिससे बच्चों के सामने अपनी वेंग की इज्जत का कचरा हो गया होता है। साथ ही वो बच्चा वेंग से कह रहा होता है कि वो यहाँ पर इसलिए हार गया क्योंकि उसका कार्ड पावरफुल नहीं था। अदर साइड हमें ऑक्शन को दिखाया जाता है जो कि अब स्टार्ट हो गया होता है और इसमें सबसे पहले बोली एक हेवनली बुक की लगती है जिसके पीछे टैंग और शू की फैमिली बोली लगाना स्टार्ट कर देती है। इस चीज को देखकर हेडमास्टर समझ नहीं पा रहे होते कि वो दोनों फैमिली आपस में ही बोली लगाकर बुक के लिए कॉम्पिटिशन क्यों कर रहे हैं, जिस पर थंडर उन्हें बता रहा होता है कि ये बुक हजारों साल पुरानी है जो कि शू और टैंग की फैमिली से काफी अच्छे से जुड़ी हुई है। वहीं इस बुक में कुछ ऐसे पावरफुल स्पेल हैं जो कि किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं और इसलिए इस बुक को हासिल करने के लिए शू और टैंग की फैमिली बोली लगाकर इस चीज के लिए फाइट कर रही है। जिस पर हेडमास्टर जाओ थंडर से कह रहा होता है कि यदि ये बुक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो इसके लिए बोली क्यों नहीं लगा रहा है, जिस पर थंडर ऑब्वियस जवाब देते हुए कहता है क्योंकि वो गरीब है और उसके पास पैसे ही नहीं है। जिसके बाद सीन वापस अपने वेंग पे आता है जो कि शॉप पे जाकर विमल आई मीन नूडल का एक पूरा बक्सा ही खरीद लेता है क्योंकि हर एक पैकेट के साथ एक पोकेमोन कार्ड फ्री होता है। बट वेंग की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसे पैकेट के अंदर एक पावरफुल कार्ड मिल सके। बट फिर भी अपना वेंग बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो पूरे विमल आई मीन नूडल के बॉक्स को ही खाली कर देता है। पर उसके बावजूद भी उसकी किस्मत और इतनी खराब हो गई होती है कि उस पूरे बॉक्स के अंदर भी उसे एक भी ढंग का कार्ड नहीं मिला होता। इसके चलते बच्चे अपने वेंग को अनलकी समझ लेते हैं। देन हमें फिर से ऑक्शन को दिखाया जाता है जहां पर एक पेंट की बोली लगती है, जिसे देखते साथ ही हेडमास्टर जाओ शॉक हो गया होता है क्योंकि उसे लगता है कि इस पेंट में इतना खास क्या है। बट वहीं पर जब एक लेडी पेंट के ऊपर पूरी बुलेट फायर कर देती है, पर उसके बावजूद भी पेंट की कंडीशन टिप टॉप रहती है, ये देखते साथ ही वहां पर बैठे सारे लोगों के टूटे उड़ गए होते हैं। वहीं पर हमें बताया जाता है कि ये पेंट न्यूक्लियर अटैक तक को सहन कर सकता है और वहीं एग्जाम्पल के तौर पर वो लोग उस पेंट के ऊपर चैनसो चलाकर दिखाते हैं, फिर भी वो पेंट सही सलामत होता है, जिसे देखकर हेडमास्टर जाओ इंप्रेस हो गया होता है और वो इस पेंट को खरीदने के बारे में सोच रहा होता है। बट बोली की स्टार्टिंग
5 मिलियन से होती है, जो देखते साथ ही अपने हेडमास्टर जाओ अपने हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि ये पैंट उनके बजट के बाहर होता है और वहीं पर ये पैंट काफी अच्छे दाम के साथ सोल्ड आउट हो गया होता है। एंड लास्टली ऑक्शन के आखिरी आइटम को शोकेस किया जाता है, जिसमें एक ड्रैगन को सील करके रखा गया होता है और वहां पर बैठी सारी पब्लिक सिर्फ इसी चीज का ही इंतजार कर रही होती है। वहीं इस चीज को सुनते साथ ही शो के फादर पगला गए होते हैं और वो किसी भी कीमत में इस आइटम को पाना चाहते हैं, क्योंकि उस ड्रैगन से वो अपनी कोई भी विश पूरी करा सकते हैं। इसलिए वो हाईएस्ट बोली यानी कि 20 मिलियन से बोली को स्टार्ट करते हैं, बट बोली बढ़ती ही जाती है और टैंकी फैमिली हिम्मत कर 35 मिलियन की बड़ी बोली लगा देती है। बट तभी वहां पर सारे लोग शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि क्यूमिया वहां पर 40 मिलियन की काफी बड़ी बोली लगा देती है और वहां पर बोली लगाने वाले इस प्राइस को सुनते साथ ही चुप हो गए होते हैं और उनकी हवा टाइट हो गई होती है, जिसके चलते ही क्यूमिया को लग रहा होता है कि अब इससे बड़ी बोली और कोई नहीं लगा सकता और वो आइटम अब उसका ही होके रहेगा। पर तभी वहां पर कोई 45 मिलियन की हाईएस्ट बोली लगा देता है और ये और कोई नहीं बल्कि थंडर होता है। ये देखकर क्यूमिया गुस्से से फूल गई होती है और वहीं हेडमास्टर जाओ थंडर से पूछ रहे होते हैं कि उसके पास तो पैसे नहीं थे तो उसने इतनी बड़ी बोली कैसे लगाई। तो थंडर बता रहा होता है कि उसके पास सच में इतने पैसे नहीं थे, पर जो पैंट अभी अच्छी कीमत में सोल्ड आउट हुई है वो उसने ही शोकेस की थी और उसके पैसे की हेल्प से ही वो इतनी ज्यादा बोली लगाकर उस आइटम को खरीदना चाहता है। तभी अपने हेडमास्टर जाओ के पास अननोन कॉल आता है, वहीं ये आइटम थंडर को सोल्ड आउट होने ही वाला होता है। तभी अपने हेडमास्टर जाओ 87 मिलियन की सबसे हाईएस्ट बोली लगा देते हैं। ये सुनते साथ ही थंडर को जोर का झटका लगता है और वहीं इतनी हाईएस्ट बोली होने के चलते ही ये आइटम अपने हेडमास्टर जाओ को सोल्ड आउट कर दिया जाता है, जिसके बाद हेडमास्टर जाओ इस आइटम को लेकर वैंग के पास जाते हैं और थंडर हेडमास्टर जाओ को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि इकलौता वही ऐसा बंदा है जो कि इस आइटम की सील को ब्रेक कर सकता है। बट वहीं पर वैंग इस आइटम को अपने पैरों से ही तोड़कर उसकी सील ब्रेक कर देता है और उसके ड्रैगन को आजाद कर देता है। ये देखकर थंडर की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वही इकलौता ऐसा था जो कि उस सील को ब्रेक कर सकता था, पर एक बच्चे ने इस सील को कैसे ब्रेक कर दिया। वही आजाद होते साथ ही ड्रैगन वैंग से कहता है कि वो अपनी विश मांग ले, तो वैंग अपनी विश ना मांगते हुए अपनी शॉर्ट निकालता है और उस ड्रैगन पे अटैक कर उसका काम भारी कर देता है। ये देखते साथ ही हेडमास्टर जाओ को काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने 87 मिलियन के आइटम के साथ ऐसा क्यों किया होता है। वहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वैंग ने 87 मिलियन के आइटम से सिर्फ एक पावरफुल पोकेमॉन कार्ड बनाया होता है ताकि वो बच्चों को हरा सके और अपनी हार का बदला उनसे ले सके। वहीं इस चीज को देखते साथ ही थंडर की बिजली गुल हो गई होती है और वो पत्थर की तरह वहां पर जम गया होता है। और इसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है।